बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बात नर्सेस कर्मचारियों के हल्ला बोल की करेंगे। जयपुर में नर्सेस कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रामलीला मैदान में 11 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से रामलीला मैदान तक रैली भी निकाली जाएगी। केंद्र के समान वेतन, भत्ता, कैडर रिव्यू समेत कई मांगे शामिल है। नर्सेस के सामूहिक अवकाश और कार्य बहिष्कार से आज पूरे राजस्थान में चिकित्सा सुविधाएं भी चरमरा गई हैं। नर्सेस का सामूहिक कार्य बहिष्कार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। सिर्फ जयपुर ही नहीं, प्रदेश भर में इस तरीके के आंदोलन जारी हैं। हर हाल में हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आज तो हमने एक सामूहिक अवकाश लिया, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम कर्मचारी हित की सरकार है, लेकिन उन्होंने नर्सेस को कुछ भी नहीं दिया 4.5 साल के अंदर। आज हम मजबूर हैं, हमें मजबूर किया गया है, इसलिए हम आज हड़ताल पर हैं, और जब तक हड़ताल पर रहेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारी रणनीति ये है कि जगह जगह से बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो वहाँ पे बैठ के सभाएं करेंगे। हमने काफी टाइम से, हमारे 38 डेज हो चुके हैं, हमने धरना प्रदर्शन कर रखा है, बट हमारी मांगों को कोई सुन नहीं रहा। सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है। 96 दिन से सरकार का ध्यान आकर्षण करने हेतु, हमारी मांग पत्र पे विचार करने हेतु विभिन्न तरीकों से उनका ध्यान आकर्षण करना चाहा है, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मांग पत्र पे गंभीर नहीं है। इससे ये भी लगता है कि उनकी कथनी करनी में हमें अंतर महसूस हो रहा है। इसीलिए मजबूर होकर के राजस्थान की आज समस्त नर्सेज रोड पर उतरी है और फिर उनका ध्यान आकर्षण करना चाहती है। इसकी रैली के रूप में सरकार के सामने स्पष्ट मैसेज है कि नर्सेज की मांगों को सरकार बहुत बहुत लाइटली ले रही है, जबकि नर्सेज ने गांधीवादी तरीके से अपना पूरा आंदोलन आज तक चलाया है और आज मजबूरन होकर सामूहिक अवकाश के रूप में नर्सेज जयपुर की सड़कों पर हैं। और यदि सरकार में ही आंदोलन है या राजस्थान नहीं, ये संपूर्ण राजस्थान की पीएससी, सीएससी, एड पोस्ट और पूरे राजस्थान भर में ये आंदोलन फैल चुका है। कितने लोग आज, कितने नर्सिंग कर्मचारी हमारा, कम से कम नहीं तो 90-95% राजस्थान के नर्सिंग कर्मचारी हैं, वो आज हड़ताल पर हैं, सामूहिक अवकाश पर हैं। त्रासदी है कि हम पेशेंट को कभी अपने हाल पर नहीं छोड़ते, लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारे साथ बेरुखी का व्यवहार किया जा रहा है कि हमें इतना संवेदनशील होते हुए भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मैं पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से आई हूँ, तो आप जान सकते हैं कि ये केवल राजधानी के नर्सेज नहीं है, बल्कि दूर दराज भारत पाक बॉर्डर एरिया तक के भी नर्सेज यहाँ उपस्थित हैं। और राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाने की और कंधे से कंधा मिलाया, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी को गांधीवादी तरीके से अपनी बात पहुँचाने के बावजूद मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुँच रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं देते देते थक जाऊंगा, तुम मांगो। नर्सेज 4.5 साल से मांग, कमी कहाँ रह गई है, कमी कहाँ रह गई, 4.5 साल से मांग रहे हैं। आप देखो, अगर एक भी मांग पर विचार किया हो, हमारी गैर वित्तीय मांग है, आपने देखो ऐसी मांग है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कोविड में प्रोत्साहन राशि, मुख्यमंत्री ने कहा कर्मचारियों का वेतन केंद्र के समान, न तो वेतन केंद्र के समान दिया, कुछ नहीं दिया केंद्र के समान। वेतन और भत्ते की मांग की जा रही, नर्सिंग कर्मी जयपुर कूच कर रहे हैं। सिर्फ जयपुर में ही ये प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में नर्सेस कर्मचारी जयपुर की ओर कूच कर रहे हैं। जयपुर में सभा का आयोजन होना है और उसके बाद रैली भी निकाली जा रही है, जहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, करौली, अजमेर, अलवर और झुंझुनू से, जहां पर बड़ी संख्या में नर्सेस कर्मी जयपुर की ओर कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो नर्सेस कर्मचारी हैं वो जयपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी की गई है। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, नर्सेस के सामूहिक अवकाश से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताते चले। एसएमएस हॉस्पिटल समेत राजधानी के अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था लड़खड़ा गई है, मरीजों को मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन वैकल्पिक व्यवस्थाओं की कोशिश में जुटा हुआ है। नर्सेस कर्मचारियों का एक गुट आंदोलन में शामिल नहीं हुआ है। रामलीला मैदान पर भीड़ जुटनी भी शुरू हो गई है। दोपहर 12 बजे से यहां पर सभा की शुरुआत होगी, तो भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। तस्वीरें से पहले हमने आपको दिखाई, जहां पर अलग अलग कोनों से अब जो नर्सेस कर्मचारी हैं वो जयपुर की ओर कूच कर रहे हैं। धीरे धीरे बड़ी संख्या में यहां पर नर्सेस कर्मी इकट्ठा होंगे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, रैली की जा रही है। महेश सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही है, कोशिश की जा रही है, लेकिन मरीजों के सामने दिक्कतें आनी शुरू हो गई है, क्या तस्वीरें अस्पतालों से?
देखिए बिल्कुल जानकारी देना चाहूंगा कि मैं इस समय में जो SMS अस्पताल है उसके इमरजेंसी पर मौजूद हूं और यहां पर पूछने की हमने कोशिश की है। देखिए नर्सेज में जो गुटबाजी हुई है उसका जो है फायदा कहीं ना कहीं पेशेंट को जो है आज मिला है। वार्डों में जो है नर्सेज की आज काफी कमी यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन बावजूद इसके कुछ जो नर्सेज यहां पर जो कि इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे वो अभी जो है इस वैकल्पिक इंतजाम को जो है थामे हुए हैं और अभी भी सेवाएं जो है अपनी जारी रखे हुए हैं। इमरजेंसी की जो है एक तस्वीर में आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है पेशेंट्स के आने जाने का जो सिलसिला है वो अब यहाँ पर लगातार चल रहा है, लेकिन उसमें जो है किस तरह का असर जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है ये भी जानने की कोशिश है कि सुरक्षा कर्मियों से भी बात करते हैं। अभी जो है कितने नर्सेज यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ तो पूरे नर्सेज काम कर रहे हैं, अभी सारे नर्सेज हैं यहाँ पर। इमरजेंसी में कोई असर नहीं अभी तक, पूरे बैठे हुए हैं अभी यहाँ पर है। और पेशेंट्स के जो आने का सिलसिला है उसमें कोई नहीं, बराबर आ रहे हैं। तो सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि पेशेंट जो है वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा बड़ा असर जो है वो देखने को नहीं मिला है, लेकिन एक बार फिर से जो आपको इमरजेंसी की तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश है कि किस तरह से जो है लगातार जो यहाँ पर नर्सिंग कर्मचारी हैं वो अभी सेवाएं दे रहे हैं। नर्सिंग का जो एक बड़ा गुट है वो जो है इस हड़ताल में इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ है, इस लिहाज से अभी भी जो इमरजेंसी की जो सेवाएं हैं वो यथावत यहाँ पर जारी है। और नर्सिंग कर्मचारी देखिए आप यहाँ पर जो नर्सिंग स्टेशन है उस पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आज कई लोग जो है वो सेवाएं बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। पेशेंट्स के लिए ये राहत की खबर है, कुछ लोग से जानने की कोशिश है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इमरजेंसी इंचार्ज आप हैं, किस तरह से आज जो नर्सेज का एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर रखा गया था उसके बाद में भी जो आपके साथ में यहाँ पर जो नर्सेज के साथी दिखाई दे रहे हैं इससे यहाँ पर राहत है मरीजों को? देखिए प्रशासन ने जो है यहाँ नर्सिंग स्टूडेंट और CHA के जो नर्सिंग कर्मचारी है उनको लगा दिया गया है, इसके अलावा जो नर्सिंग कर्मी दूसरी जगह स्ट्राइक पे नहीं उनको भी यहाँ लगा दिया गया है और इमरजेंसी में सेवाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। इमरजेंसी में कोई किसी तरह का नहीं, किसी तरह की कोई वो। अच्छा, वार्डों की स्थिति की बात करते हैं सर, किस तरह की रिपोर्ट आई है वार्ड से? वार्डों का अभी मेरे को नॉलेज नहीं है, हमारे वार्ड में भी अवेलेबल है लेकिन इमरजेंसी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वार्डों में अवेलेबल है नर्सिंग स्टाफ? हाँ, मैं 2008 RPSC से हूँ। अच्छा, हम लोग आंदोलन के साथ में नहीं है क्योंकि ये नौसल लाभ ये मांग रहे हैं, ये पूर्णतः हमारे लिए मतलब अच्छा नहीं है। इन लोगों को ये हम लोग से सीनियर हो जाएंगे तो इसलिए हम लोग इनके साथ में नहीं है, हम RPSC से हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के हैं। देखिए ये नर्सेज का जो दूसरा गुट है जो कह रहा है कि हमने सेवाएं आज किसी तरह से जो है नहीं छोड़ी हैं और ये राहत की बात पेशेंट्स के लिए है, उन पेशेंट के लिए जो इमरजेंसी में आपातकाल के हालात में यहाँ पर पहुंचते हैं और उन्हें जो है यहाँ पर सेवाएं देने के लिए नर्सेज जो SMS में करीबन 250 लोग हैं जो RPSC से सिलेक्टेड हैं, वो सारे लोग काम पे हैं। आप पेशेंट्स को किसी तरह की ना सारे लोगों ने हमने संभाल रखी है, मैं खुद भी इमरजेंसी हूँ जबकि मेरी ड्यूटी है जो वार्ड में है लेकिन मैं खुद इमरजेंसी हूँ और मेरे साथी भी यहाँ पे ICU और OT में गए हुए हैं। ICU और OT में आज आप लोग के साथी हैं अभी? हाँ, साथी है, सुचारू रूप से सेवाएं चल रही है, हम CHA हैं। तो दावा ये किया जा रहा है कि 50,000 नर्सेज हैं आज राजस्थान में आंदोलन पर होंगे, क्या किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? नहीं, अभी तो किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ बिल्कुल सुचारू रूप से सेवाएं चली हुई है। आप किस पद पर? हम CHA के पद। आप CHA, देखिए ये जो टेम्परेरी जो लोग हैं वो उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी सेवाएं जो है संभाली हुई है, CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट। तो आप लोग भी बहुत एक लंबे समय तक आंदोलन कर रहे हैं? 93 दिन तक आंदोलन किया था, 97 दिन तक हमने धरना दिया और सेवा में वापस आ गए। देखिए आंदोलन इन्होंने भी किया था लेकिन आज जब ऐसी परिस्थिति आई है तो CHA ने जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर अपना मोर्चा संभाला है। नर्सेज भले ही आज हड़ताल पर हैं, कम संख्या इनकी है लेकिन इसके बाद कोई परेशानी नहीं है किसी पेशेंट को लेकर। वार्डों की क्या स्थिति है? वार्डों में सब जगह 4 से 5 स्टाफ अवेलेबल है और कहीं किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। MS सरकार और प्रिंसिपल सरकार भी राउंड हो गया है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जी देखिए ये इमरजेंसी का जो आप देख रहे हैं कि ये एक तरह से इमरजेंसी का जोन है जिसमें अलग अलग येलो जोन ग्रीन जोन बने हुए हैं और जिसमें कि पेशेंट जो है वो यहाँ पर आपात स्थिति में पहुंचते हैं और इसे लेकर के जो है चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। नर्सेज का आज बड़ा आंदोलन है और डॉक्टर साहब से मैं जानने की कोशिश करूंगा, सर कोई किस तरह का इम्पैक्ट आप यहाँ देख रहे हैं? नहीं, तो इमरजेंसी में सर्विस बराबर चल रही है? हाँ, अभी तो बढ़िया चल रही है, हमारे रेजिडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, कुछ सीनियर इंचार्ज हैं, स्टाफ हैं, CHA के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हैं, तो अभी तक तो ऐसे कोई वैकल्पिक इंतजाम से व्यवस्थाएं हैं वैकल्पिक इंतजाम। आज पेशेंट्स को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वार्ड में क्या स्थिति, क्योंकि वार्ड में ही नर्सेज का सबसे बड़ा काम होता है? वार्ड का तो मैं बता नहीं सकता, मैं सुबह से इमरजेंसी में ही हूँ तो यहाँ एकदम
बढ़िया व्यवस्थाएं चल रही हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दे रहे। देखिए आंदोलन की तस्वीर हमने बताई है, दूसरी तस्वीर हम आपको इमरजेंसी से बता रहे हैं जो कि एसएमएस हॉस्पिटल की इमरजेंसी है। और यहाँ पर सबसे पहले जो है आपात हालात में जो है पेशेंट को यहीं लाया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि यहाँ जो पेशेंट है उनको परेशानी का सामना यहाँ नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सीएचए हैं जो कि हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं, ऐसे नर्सेज हैं, उन लोग को यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किया गया है। और इसी वजह से यहाँ जो इमरजेंसी में जो भी आने वाले पेशेंट हैं उनको यहाँ पर रिलीफ है, उनको संभालने वाले, उनकी सार संभाल करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो भी यहाँ पर है, तो सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज के कर्मचारी भी हैं, सीएचए भी हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ की व्यवस्थाएं अभी सुचारू है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा, एक जो बाकी के जो अस्पतालों की बात करते हैं वहां पर जो है परेशानी का सामना को करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां से जो नर्सेज हैं वो कूच कर गए हैं आंदोलन की तरफ। और रामलीला मैदान में जो आज यहां पर आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में अपना शामिल हुए हैं। और इसी कारण से, इसी वजह से जो है आज अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो खासतौर पर प्रभावित हुई है, लेकिन नर्सेज का एक गुट आंदोलन में शामिल नहीं हुआ है। ये एक बिल्कुल महेश, कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं, साथ ही साथ जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक गुट है, गुटबाजी का असर देखने को मिला है, जहां पर मरीजों को राहत मिल रही है और खासतौर पे इमरजेंसी में दिक्कतें नहीं हो रही है मरीजों को। हालांकि जनरल वार्ड से अभी कुछ सूचना नहीं मिल पा रही है कि वहां पर क्या हालात हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि प्रदेश के और भी अस्पताल हैं जहां पर मरीजों को फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। प्रदर्शन स्थल से अभी क्या हालात हैं महेश, क्या वहां पर बड़ी संख्या में नर्सेस कर्मचारी जुट गए हैं, क्योंकि कुछ ही समय में सभा भी होनी है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन की जहां तक तस्वीर है, अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे रामलीला मैदान में, अब धीरे धीरे लोगों का आने का जो सिलसिला है वो वहां पर शुरू हो गया है और अब धीरे धीरे जो भीड़ है वो जुट रही है। दावा तो 30,000 के नर्सेज के भीड़ का आने का वहां पर किया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि शाम तक किस तरह की तस्वीर वहां पर बनती है और उसके बाद में क्या जो इनकी मांगे हैं उसे लेकर के राज्य सरकार इनको कोई वार्ता के लिए यहां पर बुलाती है नहीं। एक बार इमरजेंसी की तस्वीर पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां दिखाए जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको यहां पर जो है सीएचए और जो नर्सेज हैं, सीएचए देखिए कोविड हेल्थ असिस्टेंट लगे थे, टेम्पररी थे, इनने भी अपनी मांगों को लिए एक लंबा आंदोलन किया, लेकिन आज यही सीएचए जब नर्सेज का आंदोलन हुआ है तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तौर पर अपनी जो है सेवाएं यहां पर देते हुए दिखाई दे रही है। एक राहत की बात है मरीजों के लिए और उनके अटेंडेंट्स के लिए जो बिल्कुल ये बड़ी राहत की बात है कि सीएचए भी यहां पर पहुंचे हुए और अपना धर्म निभा रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा महेश इस पूरे प्रदर्शन पर, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। कोटपुतली के पावटा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जवाहर नवोदय स्कूल में छात्र की मौत के मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताते चले। 48 घंटे बाद भी परिजन और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन सकी है। थाने में ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है। शाहपुरा विधायक आलोक बेनीवाल भी धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। पावटा कस्बे का ये पूरा मामला है, धरना स्थल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर थाने के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा है। सबसे पहले आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किए जाने की मांग की जा रही है और इसके साथ साथ मुआवजे की भी मांग है, जिसे लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन शव का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि सबसे पहले जरूरी है कि शव का पोस्टमार्टम करा लिया जाए, लेकिन परिजन इस बात को सुनने को तैयार नहीं। उनकी ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा, विधायक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। मामला राजनीतिक रूप लेते हुए भी नजर आ रहा है। थाने के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है कि जब तक आरोपी शिक्षक के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है। तो अब तक शव का पोस्टमार्टम तक नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि सबसे पहले शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ग्रामीण इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आपको बता दें, छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। स्कूल के जो क्लासरूम होता है उसके अंदर उसने आत्महत्या की थी। फंदे पर लटकता हुआ छात्र का शव मिला था और आखिरी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जहां पर छात्र स्कूल की ओर हॉस्टल से बढ़ते हुए नजर आया था। अब शिक्षक पर आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षक की ओर से दबाव बनाया गया और इसी वजह से छात्र ने सुसाइड कर ली है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी कर रही है, लेकिन सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि शव का पोस्टमार्टम करा लिया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा हो सके, लेकिन ग्रामीण इस बात को मानने को तैयार नहीं। भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, छोटी हरणी चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। देर रात चोरों ने घर में घुसकर चोरी की है। 8 लाख रुपए कैश, 29 तोले सोने और 1 किलो चांदी के गहने पार कर लिए गए। चोरों ने बर्तन को भी चुरा लिया है।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। साक्ष्य जुटाने के लिए एमओबी की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। तो एक और चोरी की सूचना सामने आ रही है। छोटी हरणी चोरी की बड़ी वारदात देखने को मिली है, जहां पर कैश के साथ साथ सोने चांदी के जेवरात और बर्तन पर भी हाथ साफ कर लिए गए हैं। पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार लगा रहा है, उसकी ओर से कहना है कि जल्द से जल्द चोरों का पता लगाया जाए। तो लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि सिटी पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है, पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ एमओबी की टीम को भी बुलाया गया है, जिससे कि मौके से साक्ष्य इकट्ठा हो सके। तो कुल 8 लाख रुपए कैश, 29 तोला सोना और 1 किलो चांदी की चोरी की गई है। जबकि चोरों ने घर में जो बर्तन पड़े थे उन्हें तक नहीं छोड़ा, बर्तनों पर भी हाथ साफ कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस घर की, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस की ओर से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये चोर कौन थे और अभी कहां रह रहे हैं, इसे लेकर लगातार तफ्तीश की जा रही है। तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से ये चोरी की घटना घटी है, इससे लोग डरे भी हुए हैं। सहयोगी राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, चोरी की घटना, कैसा डर आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी घर कभी भी निशाना बन सकता है, और क्या कह रही है पुलिस पूरे मामले पर? जी, कहीं ना कहीं इस घटना ने आसपास के क्षेत्र में दहशत फैला दी है। देर रात चोर घर में घुसते हैं, छत से घुसते हैं, और जो घरों में जो बक्से अलमारियां पड़े रहते हैं उनको बाहर ले जाते हैं, और उनके अंदर लगभग 29 थे, 8 लाख की नकदी थी, चांदी थी, उनको चोरी कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए कोतवाली थाना क्षेत्र में आता है, जो पुलिस की गश्त होती है रात की, कहीं ना कहीं वो फेल होती हुई नजर आ रही है, विफल होती हुई नजर आ रही है। चोरों को पुलिस का डर नहीं रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, बक्सों को बाहर निकाल लिया जाता है, अलमारी को दूर ले जाया जाता है, गांव के बाहर एक एकांत जगह में ले जाया गया है, उसके बाद सारा सामान निकाल के चोर रवाना हो जाते हैं। और जो जानकारी सामने आ रही है, ये कोई एक चोर का काम नहीं है, कम से कम 4 से 5 चोरों की इसमें दिख रही है, सामने आ रहे हैं। पर पुलिस अभी इस मामले की जांच में जुटी है, चोरों की तलाश कर रही है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो टेक्निकल पार्ट है सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल राहुल, तो कई चोर घर में घुसते हैं और बड़े आराम से, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि घर के अंदर चोरी करते हैं और फरार हो जाते हैं। निश्चित तौर पर पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, बिजली संकट के मुद्दे पर चक्का जाम से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, किसानों के समर्थन में सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों ने NH 11 जाम कर दिया, जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के समर्थकों ने ये जाम लगाया, हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। किसानों के समर्थन में अब सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। NH 11 जाम कर लोगों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बड़ी संख्या में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं, एनएच को जाम कर दिया है, क्या तस्वीरें इस वक्त वहां पर और किस तरीके से समझाइश की जा रही है? जी, प्रदेश भर में बिजली का संकट जो है वो काफी गहराया हुआ है, लेकिन वहीं बात की जाए बीकानेर की, तो खासा असर बीकानेर में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि बीकानेर से ही जो कोलाय से जो विधायक हैं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, वो खुद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं। क्योंकि उनके खुद के गृह जिले में ही ऐसे हालात हैं कि बिजली जो है लगातार कटौती, इसे किसान और आमजन सभी परेशान है। देवी सिंह भाटी जो पूर्व सिंचाई मंत्री रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में आज जैसलमेर रोड पर लंबा जाम लगाया गया है। लोगों ने चक्का जाम किया, उनके समर्थकों ने, जिसके चलते जो जैसलमेर बीकानेर हाईवे है NH 11, उस पर वाहनों की लंबी कतारें जो है वो लग गई है, देखने को मिल रही है। वहीं पर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और समझाइश की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि खुद बीकानेर के बीकानेर से रहने वाले मंत्री, ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व में ही जो बीकानेर के जो हाल है, यहाँ पर लोगों को बिजली जो है वो नहीं मिल पा रही है। और चूंकि जो ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उनका कहना है कि केंद्र से लगातार जो है कोयले की खरीद की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से एक तरफ गहलोत सरकार जो है वो 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा करती है, तो वहीं दूसरी ओर जो जिस तरह की से 100 यूनिट बिजली के अलावा जो बिजली है वो लोगों को नसीब नहीं हो पा रही, तो निश्चित तौर पर जो किसान है वो खासी नाराजगी उनमें जो है वो देखने को मिल रही है। जी मनीष, आप बता रहे हैं कि हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, महिला के शव से सनसनी फैल गई। माकड़वाली रोड स्थित खाली पोल्ट्री फार्म में महिला का शव मिला है। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन महिला की अब तक शिनाख्तगी नहीं हो सकी है, पहचान की कोशिश की जा रही है। FSL की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है
कि शव की शिनाख्तगी कर ली जाए। बड़ी संख्या में आसपास के जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक महिला का शव मिला हुआ है। 3 से 4 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। कई जगह पर चोट के निशान है जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। और अलवर के भिवाड़ी से बड़ी खबर है जहां फूलबाग के स्माइल कॉलोनी में बदमाशों का तांडव देखने को मिला। गज्जू गैंग के नाम पर अज्ञात बदमाशों ने रंगदारी के लिए घर में जमकर उत्पात मचाया, साथ ही फायरिंग भी की गई। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। 6 से ज्यादा बदमाश लाठी डंडों से लैस होकर स्माइल कॉलोनी में घुसे, जमकर उत्पात मचा और रंगदारी के लिए फायरिंग भी की गई। बदमाशों ने चेतावनी दी है कि उन्हें हर महीने 70,000 की रंगदारी नहीं दी गई तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। घटना के बाद भिवाड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची है। दरअसल पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है जिससे बदमाश कारों में सवार होकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद तोड़फोड़ कर फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। तो ये फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर 3 कार में सवार होकर बदमाश पहुंचते हैं, धमकी दी जाती है और फायरिंग भी की जाती है। प्राइमर फेस यही लगता है कि कोई या तो कोई पुरानी रंजिश हो सकती है। ये जो लोग आए थे इनमें से किसी को जानता नहीं है, तो अभी ये भी बताने में सक्षम नहीं है कि कौन लोग थे क्या थे। ये तो अचानक आए थे 2-3 गाड़ी आते हैं, गोली चालू कर दिया। कितने राउंड फायरिंग? राउंड 4-5 राउंड करे। क्या कोई पहले से दुश्मनी है या क्या? हमारी कोई दुश्मनी ना आई। कौन कौन लोग थे किसी भी सके? हम पिछाड़ते नहीं है उनको, लेकिन जो करवाणिया उनने जानते हैं। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जयपुर में प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 5 दिनों से बिजली कर्मचारी महापड़ाव पर हैं। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर, मांग पत्र लेकर ये जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। महापड़ाव लगातार जारी है। आज बिजली कर्मचारी सद्बुद्धि यज्ञ भी करेंगे, तो सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी किया जाना है। खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जन आंदोलन का लगातार 19वां दिन उचला। 19वें दिन भी आंदोलन जारी है। खाजूवाला में 5 और छतरगढ़ में 3 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल दोनों धरना स्थल पर आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल पहुंचे। धरना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने आश्वासन दिया कि यथावत बीकानेर जिले में रखा जाएगा, लेकिन समिति ने कहा कि जब तक डी नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है और मुख्यमंत्री जी ने मेरे को हरी झंडी दे दी है कि मैं हम छत्तरगढ़ और खाजूवाड़ा को दोनों को बीकानेर जिले में यथावत रख देंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अभी उनका आश्वासन है जब तक राज्य सरकार द्वारा डी नोटिफाई होकर खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ को वापिस बीकानेर में 2-8 से पूरे की स्थिति नहीं दिया जाता है तब तक हमारा धरना अनवरत जारी रहेगा। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठक करेंगे। पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक लेंगे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर खास चर्चा होगी। पुलिस वाहनों का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक। मुख्यालय पहुंचेंगे, पहले 11:30 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम था जिसके बाद में बदलाव हुआ और दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे जहां पर डीजीपी उमेश मिश्रा के अलावा तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। वहीं पर मुख्य सचिव और उसके अलावा जो गृह सचिव और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव वे भी मौजूद रहने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री आज जो कुछ विशेष पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो वाहन तैयार किए गए हैं वो उनका फ्लैग ऑफ करेंगे। उसके अलावा जो राजस्थान में कुछ गंभीर घटनाएं पिछले दिनों हुई है, माना दौसा में जो पुलिस कॉन्स्टेबल में फायरिंग हुई, तमाम जो घटनाएं राजस्थान में हुई है या फिर बड़े जो क्राइम को पुलिस ने खोला है, ओपन किया है, उन सभी पे बड़ी गंभीरता से जो है समीक्षा बैठक होगी और डीजीपी पूरे जो मसल जो मतलब जो जो ब्रीफ है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को देंगे। जी बिल्कुल विष्णु, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चली है जिसे लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है, ऐसे में ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप भी नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक।